हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है फेस पैक के बारे में। ये एक ऐसा इफ़ेक्टिव फेस पैक है, अगर आप इसे अप्लाई करती हैं तो आपकी स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे पिगमेंटेशन, ये खासतौर पर पिगमेंटेशन और पिंपल्स के जो दाग होते हैं ना, उन सब उसी पे ये वीडियो है, उसी का रिलेटेड ये वीडियो है। सो अगर आपको प्रॉब्लम होगा पिगमेंटेशन का, या फिर अगर पिंपल्स के दाग रह गए हैं, आपको छाइयां हैं, और समय आपको झुर्रियां आ रही हैं, एजिंग के निशान आपके चेहरे पे दिख रहे हो, सो आप इस पैक का यूज करने लगिए। आपको आपकी उम्र कोई भी हो, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी स्किन पर कोई भी एजिंग के साइन आए, या फिर आपके कोई भी मतलब झुर्रियां छाइयां चेहरा जो है आपका नीचे की तरफ झुलने लगे, ढीला हो जाए स्किन, उसको स्किन को टाइट करने के लिए, या फिर अगर आपकी स्किन पहले से ही झुर्रियों वाली हो चुकी है, तो आप इस पैक का अप्लाई कीजिए। ये जो मैंने फेस पैक आप यहाँ पर बताया है, ये एक ऐसा चीज़ है, अगर आप इसको सही तरीके से अगर आप अपने स्किन पे अप्लाई कीजिएगा, तो अगर आपकी स्किन पे ये सब प्रॉब्लम आ भी चुकी है ना, तो आपको बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हुए, ये जो होममेड चीज़ है ना, इसी से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और इसको आपको जानना है क्या, तो आपको इसका जानना है सही प्रोसेस। देखिए, फेस पैक तो हम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, घर में हम सब जानते हैं कि जो घर की आलू टमाटर हैं, इन सबसे भी हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख सकता है। लेकिन आलू टमाटर को भी चेहरे पे यूज करने का एक सही तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है, जिससे हम अपनी स्किन पे क्या किस तरीके से अप्लाई करें, जो इसका जो इफ़ेक्ट हो ना, वो हमारी स्किन पे अच्छे से आए, बहुत ज़्यादा अच्छे से आए। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को अगर आप सही तरीके से लगाओगे, तो उसका रिजल्ट आपको 100% दिखेगा। लेकिन वो चीज़ अगर इफ़ेक्टिव है भी, अगर आप उसे अपने स्किन पे गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हो, तो जो उसका रिज़ल्ट आना चाहिए 100%, वो आपको 1% भी रिज़ल्ट नहीं देगा, उल्टे में। खैर, ऑर्गेनिक चीज़ है, हानि तो पहुँचाएगा नहीं, बहुत लोगों पर इसका पॉजिटिव रिएक्शन होता भी है, पर ऑर्गेनिक चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि किसी पर इसका रिएक्शन भी होता है। सो आप उन सब चक्रों में मत रहें कि किसी भी चीज़ को घर में जितने भी चीज़ है हम सबको कैसे भी चेहरे पे अप्लाई कर ले, ऐसा नहीं। आप पहले पैक अच्छे से बनाना सीखिए और उसकी क्वांटिटी को समझना सीखिए कि किस चीज़ को कितने क्वांटिटी में हमको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि एक चम्मच बेसन लिया, एक चम्मच शहद लिया, एक चम्मच दही लिया, इस तरीके से नहीं लेना है आपको। हर चीज़, हर क्वांटिटी, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक मेजर क्वांटिटी होती है कि वो कितने क्वांटिटी में फ़र्क दिखाएगा, और अगर उसकी क्वांटिटी आप एक्सेस कर दोगे तो आपको नुकसान तो पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो नुकसानदायक होती है। तो ये पैक मैंने बनाया कैसे है, ये देखने के लिए देखिए मेरे इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, बनाने के लिए हमें चाहिए खाली बाउल, हमें खाली कटोरी लेना है जो फ्रेश हो, साफ़ सुथरी हो। अब मैं उसमें डालूंगी बेसन और टमाटर का रस। इसे मैंने पहले से ही निकाल रखा था, क्योंकि टमाटर के रस में बेसन अगर अच्छे से फूल जाता है तो वो अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा देता है। सो ये सब देखिए, दोनों को मैंने फूलने के लिए रख दिया था। सो अब हम इसमें डालेंगे 2 स्पून ग्रीन टी। ग्रीन टी को आप बनाकर रख सकते हैं, जब ये ठंडा हो जाए तभी आपको इस पैक में डालना है, गरम ग्रीन टी आपको इस पैक में नहीं डालना है। ग्रीन टी का इफ़ेक्ट तो आप लोग को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा ये अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो अब मैं डाल रही हूँ इसमें दही। यहाँ मैं घर की जमी हुई दही का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फेस पे लगाने के लिए घर की जमी हुई दही से अच्छा मार्केट की जो प्रिजर्वेटिव दही होती है उतनी अच्छी बेस्ट क्वालिटी की नहीं होती। अब हम इसमें डालेंगे हनी। हनी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मेरी स्किन भी ऑयली है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी हनी डालती हूँ, क्योंकि जो बेसन होता है और ग्रीन टी, जो ये दो चीज़ होते हैं ना, स्किन को थोड़ी हल्की सी ड्राई भी करते हैं। सो क्योंकि स्किन को ही फ्रेश करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, तो स्किन को हल्का ड्राई कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे मैं एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, इसका एक प्रीवियस वीडियो भी एक मैंने बना रखा है, जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल भी डाल सकती हैं। रोजमेरी एसेंशियल बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, बस एक से दो बूंद, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आपको एसेंशियल ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब आप इसमें लेमन डालिए, मैंने इसमें 2 बूंद लेमन डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो। अगर आप पे लेमन सूट नहीं करता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और हम देखने में ये काफ़ी थिन पेस्ट लग रहा है, सो इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा और बेसन ऐड किया है, क्योंकि हमें ऐसा पेस्ट बनाना है जो हमारे स्किन के फेस पे टिक सके। सो ये थोड़ा सा थिन हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिया। बेसन थोड़ा सा ऐड करने के बाद ये थोड़ा
थिक पेस्ट बन चुका है, अब ये चेहरे पे अप्लाई होने के लिए रेडी है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि इस फेस पैक को हमें बनाना कैसे है और हमें अप्लाई कैसे करना है। सो आपको अप्लाई करने का सही तरीका मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अप्लाई करने का सही तरीका है, अपने चेहरे को सबसे पहले, कोई भी अगर आप फेस पैक अपने स्किन पे अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो अपने सबसे पहले आप अपने हल्का से गुनगुना पानी से अपने फेस को वॉश कीजिए। अगर आप फेस वॉश यूज करती हैं तब, नहीं यूज करती हैं तो हल्का सा बेसन से मुझे पता है कि इस फेस पैक में बेसन ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप फेस पैक नहीं यूज करती तो आप कोई भी अगर होममेड बना हुआ फेस पैक आपके पास होगा, मैं इस आगे इसका वीडियो बनाने वाली हूँ कि होममेड फेस वॉश हम कैसे बनाएं। सो होममेड जो फेस वॉश होता है उसे आप थोड़ा सा लेकर अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अभी का जो समय चल रहा है इसमें हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो डस्टिंग जो है हमारे फेस पे उतनी ज़्यादा नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। हम घर की बनी हुई फेस पैक को भी अप्लाई करके अपने चेहरे को फ्रेश रख सकते हैं। मार्केट की फेस वॉश में क्या होता है, केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सो आप कोई भी फेस वॉश जो आप पे सूट करता है आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद अपनी स्किन पे, आप ड्राई स्किन पे कभी भी कोई फेस पैक नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं आपको हमेशा वीडियो में सजेस्ट करती हूँ कि ड्राई हेयर पे, ड्राई स्किन पे फेस वॉश करने के बाद हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें उसकी जो नमी होती है ना वो पानी के साथ हम जो वॉश करते हैं उसके साथ वो निकल जाती है। सो इस तरीके की स्किन पे कभी भी नहीं अप्लाई करना चाहिए आपको। उसके बाद वॉश करने के बाद फेस को आपको उस पर एलोवेरा जेल अप्लाई करना चाहिए। आप मार्केट का भी एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ अगर प्लांट हो तो उसका पल्प निकाल के भी उसका जेल स्टोर करके रख दीजिए, उसे आप अपने स्किन पे दिन या रात किसी भी टाइम लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल की 2 बूंद भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोकोनट ऑयल गर्मी के दिनों में चेहरे पर लगाने पर हमारी स्किन जो है वो ब्लैक होने लगती है, काली होने लगती है। सो काली उन्हीं लोगों की स्किन होती है जो अपने स्किन पे स्टेरॉयड क्रीम का जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्किन फेयर स्किन, ये सब टाइप की मिलाज, इस टाइप की जो क्रीम होती है जो मतलब कि दावा करती है कि आपकी स्किन को गोरा कर दें, इस तरीके की क्रीम का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हीं की स्किन पे ऑयल से ब्लैकनेस आती है। बच्चों की स्किन पे इतनी ऑयल लगती है, बच्चों की स्किन काली क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो पहले से, क्योंकि उनकी स्किन पर कभी कोई स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप इस तरह की क्रीम का इस्तेमाल करती हैं तो उससे होता क्या है कि अगर आप उस क्रीम को अप्लाई करना छोड़ देती हैं तो आपकी ऊपर की जो परत होती है ना वो डेड स्किन हो जाती है, ऊपर की जो परत होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसकी जान ही निकल जाती है। सो ऑयल करता क्या है कि उस डेड स्किन के परत को सबसे पहले तो जो चिपकी हुई है उसके वो ऊपर लाता है, जैसे कि नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को डालते हैं तो पहले उसको फुलाता है, उसको पहले वो नमी देकर पोषण देता है, उसके बाद वो धीरे धीरे स्किन पर से हटाने का काम शुरू करता है। आपको लगेगा कि आपकी स्किन काली पड़ रही है लेकिन वो काली नहीं पड़ रही है, आपकी स्किन से वो डेड स्किन को हटा रहा है, साफ कर रहा है। कोकोनट ऑयल एक बहुत ही मैजिक ऑयल है, केरल में ऐसे ही इसे मैजिक ऑयल का इस्तेमाल नहीं दिया जाता है। सो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल लगाने के बाद ही आप अपने स्किन पे फेस पैक अप्लाई कीजिए। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है लेकिन मैं अपने हर एक फेस पैक में थोड़ी सी ऑयल, 2 बूंद ऑयल ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि कोई भी आप फेस पैक अप्लाई कीजिए अपनी स्किन पे, अपनी स्किन आपकी स्किन को ड्राई ज़रूर करेगा। जब आपकी स्किन ड्राई होगी बहुत सारे प्रॉब्लम को आमंत्रित करेगी कि ये प्रॉब्लम होगी स्किन पे, वो प्रॉब्लम होगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी गर्मियों के समय चल रहे हैं इससे हमारी स्किन से ऑयल प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो तो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होती है ना, लेकिन हम तो फेस पैक लगाकर उस पैक को हम बाहर कर देते हैं, उस मतलब कि उस ऑयल को हम निकाल देते हैं, तो उसमें ऑयल हमें फिर से उसको पोषण देना पड़ेगा ना। सो एलोवेरा जेल ऑयलिंग करके ही आप अपने, आपने कोरियन ब्यूटी को देखा होगा ना, कोरियन ब्यूटी जिस तरीके से वो अपने अपनी जो स्किन पे जो ध्यान देती है ना, उससे होता क्या है कि वो उनकी जो स्किन होती है वो 63 की उम्र में भी वो लोग यंग लगती हैं, क्योंकि वो अपनी स्किन पे सबसे पहले ऑयलिंग करती हैं, उसके बाद वो अपनी स्किन को वॉश करती हैं, या फिर जो उनको फेस वॉश यूज करना होता है वो करती हैं वो। इसीलिए ऑयल स्किन के लिए बहुत बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो ऑयल आपको सूट करे वो ऑयल आप यूज कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली है तो आप पे सूट नहीं करेगा। आपके लिए आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स, अगर आपके पिंपल्स एक्ने प्रोन स्किन है हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन पे पहले से डस्ट है, पहले से इम्प्योरिटी है, उस पे ऑयलिंग करोगे तो वो ऑयल के पोर्स में तो वो जम ही जाएगा ना, उससे आपकी स्किन खुला सांस तो लेगी नहीं, दूसरे में प्योरिटी को जमा कर ब्लैक हेड्स, एक्ने, पिंपल्स, इस सब का रूप आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेश स्किन पे, साफ़ सुथरी स्किन पे अप्लाई करोगे
कोई आपकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चैलेंज देती हूँ, आप अपनी स्किन पे कोई क्रीम अप्लाई मत कीजिए, सिर्फ आप रात में सोने समय आप अपनी स्किन पे नारियल तेल, सिंपल सा चीज़ है जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, तो कोई भी लोकल शॉप में भी या फिर पतंजलि का भी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, वो भी आप अप्लाई कीजिए। बहुत सारे ब्रांड का होता है लेकिन वर्जिन ही अप्लाई कीजिए। वर्जिन क्या होता है कि ये कंप्रेस्ड होता है, इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से निकाला जाता है। सिर्फ कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन जो है ना कभी ख़राब नहीं होगी, स्किन पे आपकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, ट्राई करके देखिए, फ़र्क नज़र आए तब भी कमेंट कीजिए, फ़र्क नहीं नज़र आए तब भी कमेंट कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो मुझे कमेंट्स कीजिए, नहीं फ़ायदा हुआ तब भी मुझे कमेंट्स कीजिए कि मैं आपको उसका सही तरीका तो बता सकूँ। किसी भी चीज़ को अप्लाई करने का आपको उसका पूरा तरीके से सही तरीका पता होना चाहिए। सही तरीके से अप्लाई करोगे एक बार में फ़र्क दिखेगा, गलत तरीके से अप्लाई करोगे 100 बार में भी फ़र्क नहीं दिखेगा। सो आई होप अब आप जाकर आपको समझ में ये वीडियो आ गई होगी कि किसी भी चीज़ को तैयार करना तो बहुत आसान है लेकिन अप्लाई करना, सही तरीका पता होना कितना मुश्किल होता है। सही तरीके से अप्लाई कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो 1% में पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ ही जो बगल की जो बेल आइकन वाली घंटी है ना उसे भी दबा दीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, और इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी अपनी नई वीडियो डालूंगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लोग के भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।